नमस्कार बच्चों, चैप्टर वन पार्ट थ्री बस पार्ट टू सॉरी। द किंग टर्न राउंड एंड सो अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा ने पीछे मुड़ के देखा और एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को उनकी तरफ दौड़ते हुए पाया। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके हाथ उसके पेट के अगेंस्ट दबे हुए थे। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिनसे खून बाहर आ रहा था, बह रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड, जब वो राजा के पास पहुंचा तो मूर्छित हो गया एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर पड़ा। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोदिंग एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। राजा और हर्मिट ने उसके कपड़े हटाए और एक उसके पेट में एक बड़ा सा घाव पाया। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, राजा ने उस घाव को धोया और उसको जो है अपने रुमाल से बांधा। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहता हुआ नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड, राजा ने फिर ड्रेस की वुंड उस घाव को। अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि खून बहना नहीं रुक गया, वो उसकी ड्रेसिंग करता रहा। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, राजा ने अच्छा महसूस उस व्यक्ति ने अच्छा महसूस किया अब और कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा ताजा पानी लेकर आया और उसको लाके दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, सूर्यास्त हो चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, हवा ठंडी हो गई थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut. राजा ने हर्मिट की सहायता से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी में ले आए and laid him on the bed, और बिस्तर पे लिटा दिया। The man closed his eyes, राजा ने उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद करी and lay quiet, और चुपचाप लेट गया। The king tired by his walk and the work he had done, राजा चूंकि पैदल चल के आए थे और कल खुदाई का काम भी किया, थक चुके थे। Lay down on the floor, फर्श पे लेट गया। And slept throughout the night, और पूरी रात सोता रहा। When he awoke, जब वो जागा, it was several minutes before he could remember, तो उसको काफी मिनट खर्च हो गई ये याद करने में कि वो कहाँ पर है और ये जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है जो वहां लेटा हुआ है बिस्तर पे, अजी अजनबी है, ये कौन है। Forgive me, मुझे माफ कर दीजिए, said the bearded man in a weak voice, कमजोर से आवाज में दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। When he saw that the king was awake, जब उसको लगा कि राजा उठ गया है। I do not know who you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता और ये भी नहीं जानता कि माफ किस लिए करूं। You do not know me, but I know you. आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours, मैं आपका एक दुश्मन हूँ, who swore revenge on you, जो आपसे बदला लेने की कसम खा चुका हूँ। Because you put my brother to death, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था, and seized my property, और मेरी संपत्ति भी छीन ली। I knew you had gone alone to see that hermit, मुझे पता चला था कि आप इस hermit से मिलने के लिए अकेले आए हैं, and I made up my mind to kill you, और मैंने अपना मन बनाया कि मैं आपको मार दूंगा on your way home, जब आप लौट के आएंगे। But the day passed and you did not return, पूरा दिन गुजर गया आप लौट के नहीं आए। So I left my hiding place, तो मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल के आया, एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मुझे आपका बॉडीगार्ड मिल गया, हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जो मुझे पहचान गया, एंड वुंडेड मी, और उसने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माय वुंड्स, मैं उससे तो बच के आ गया लेकिन अगर आपने मेरी ड्रेसिंग नहीं की होती, ये पट्टी नहीं बांधी होती घाव के, तो मैं मर गया होता। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था, एंड यू हैव सेव्ड माय लाइफ, लेकिन आपने मेरा जीवन बचाया। Now if I live, अगर मैं जीवित रहता हूँ, I will serve you as your most faithful servant, तो मैं हमेशा जीवन भर आपके एक वफादार नौकर के रूप में काम करूंगा, and will order my sons to do the same, और मेरे बच्चों को भी ऐसा ही करने के लिए कहूंगा। Forgive me, मुझे माफ कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily, राजा बड़ा खुश था कि अपने एक दुश्मन को इतना आसानी से दोस्त बना लिया, and to have won him over as a friend, और एक अच्छा दोस्त मिल गया। He not only forgave him, but said he would send his servants and his own doctor to look after him. उसने वादा किया कि वो माफ तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं अपने डॉक्टर को भेजूंगा, अपने नौकर को भेजूंगा, वो आपकी सेवा करेंगे, ठीक करेंगे। And he promised to give back the man his property. और राजा ने वादा किया कि उस व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी भी वापस दे देंगे। Leaving the wounded man, उस घायल व्यक्ति को छोड़ते हुए, the king went out of the hut and looked around for the hermit. बाहर गए और उस हर्मिट को ढूंढा। Before going away, wished once more to get answers to his questions. एक बार जाने से पहले उसने सोचा, राजा ने सोचा कि मैं अपने प्रश्नों के जवाब लेने का प्रयास करता हूँ। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. हर्मिट जो है
अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे और जो क्यारियां उन्होंने कल खुदाई करी थी उनमें बीज उगा रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा जो है हर्मिट के पास गया एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम, और कहा कि आखिरी बार मैं आपसे भीख मांगता हूं, मेरे प्रश्नों के जवाब दे दीजिए हे बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर। चूंकि राजा उसके सामने आके खड़े हो गए तो उसकी तरफ अपने घुटनों के बल झुके हुए हर्मिट ने जवाब दिया कि आपको जवाब मिल गए हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, क्या आपका क्या मतलब है, कहां मिल गए मुझे जवाब, डू यू नॉट सी, क्या आपने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। अगर कल आपने मुझे मेरी कमजोरी पे दया नहीं दिखाई होती और ये जमीन खोदने के लिए नहीं रुके होते तो आप चले गए होते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो आपके साथ ये व्यक्ति आप पर हमला कर चुका होता और फिर आप ये सोचते कि काश मैं वहीं रुक जाता। So the most important time was when you were digging the beds. तो आपके लिए सबसे important time जो था वो उस समय digging था, कैरियां खोदना था। And I was the most important man. और उस समय मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था आपके लिए। And to do me good was your most important business. और उस समय मेरा अच्छा करना आपका सबसे बढ़िया काम था, अच्छा महत्वपूर्ण काम था। Afterwards, इसके बाद, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. उस समय आपका सबसे important time था कि आप उसकी care कर रहे थे। Because if you had not dressed him his wounds, he would have died without having made peace with you. अगर आप उसकी ड्रेसिंग नहीं करते तो वो आपके साथ दोस्ती करे बिना मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो कुछ आप उसके लिए कर रहे थे वो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, तो याद रखिए, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज नाउ। जो महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति के लिए होता है वो अब होता है, वर्तमान। नाउ इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी आंसर टू इट, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण काम है जब हम कोई जवाब कर सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं, पावर हमारे पास होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद ए पर्टिकुलर मोमेंट, और जो मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है, जिसके साथ जिस समय आप खड़े हैं या बैठे हैं या हैं, वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्यों कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड व्हाट वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और हम किसी और को मिल पाएंगे। The most important business is to do that person good. और सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि जिस व्यक्ति के साथ हैं आप उसका अच्छा करें। Because we were sent into this world for that purpose alone. क्योंकि हम इस दुनिया में केवल इसी उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर है लियो टॉलस्टॉय से लिखा हुआ है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।